मेरा नाम प्रीतम है और मेरी उम्र 32 ईयर है। मैं बिहार का रहने वाला एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी पत्नी का नाम कविता है और कविता की उम्र 28 साल है। मैं खुद की एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान चलाता हूँ जो मेरे घर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा एक बेटा भी है जिसको मैं और कविता बहुत प्यार करते हैं। एक बार की बात है, मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ कुछ काम कर कान रहा था, तभी कविता का कॉल आया और वो मुझसे कहने लगी कि उसे शहर से दूर किसी मंदिर जाना है और मुझे जल्दी घर पर आने के लिए बोला। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी दुकान पर एक नौकर भी रख रखा है जो मेरी मदद करता है और कभी मुझे कहीं आना जाना पड़ जाए तो वो मेरी दुकान को संभालता है। कविता का कॉल आने के बाद मैंने उसको बताया कि मुझे किसी काम से अभी घर पर जाना है, इसलिए मेरे आने तक तुम दुकान का अच्छे से ख्याल रखना। और फिर मैं जल्दी ही अपने घर पर पहुंच गया। जब मैंने घर जाकर देखा तो कविता अभी मंदिर जाने की तैयारी में लगी हुई थी। ये देखकर मैंने कविता से कहा, यार तुम तो कह रही थी कि आज घर जल्दी आ जाना और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई। फिर कविता ने कहा, तुम्हें क्या पता कि औरतों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है, अगर तुम औरत होते तो तुम्हें पता चलता। मैंने कहा, ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर कविता ने कहा, तुम्हें मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, आज मंदिर से लौटने के बाद मैं तुम्हें एक औरत की तरह सजाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक आदमी का तैयार होना और एक औरत का तैयार होना क्या अंतर होता है। मैंने मजाक में कहा, ठीक है जो भी करना है कर लेना, लेकिन अभी तो थोड़ी जल्दी कर लो। फिर कुछ देर में कविता तैयार हो गई और फिर हम दोनों अपने बेटे को साथ में लेकर मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर पहुंचने के बाद हमने मंदिर के दर्शन किए और काफी देर तक घूमने फिरने के बाद हम वापस अपने घर आ गए। शाम हो चुकी थी और उसके बाद कविता ने रात का खाना बनाया और फिर हमने साथ में खाना खाया और उसके बाद हम सोने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। कुछ देर के बाद जब हमारा बेटा सो गया तो कविता ने मुझसे कहा, चलो आज कुछ मस्ती करते हैं। मैंने कहा, अब रात में तुम क्या मस्ती करना चाहती हो? तो कविता ने कहा, मैंने तुमसे सुबह बोला था ना कि मैं तुम्हें औरत की तरह सजाऊंगी और तुमने भी उसके लिए हाँ बोला था। मैंने कहा, वो सब तो मैंने मजाक में कह दिया था, मुझे नहीं बनना कोई औरत। तो कविता ने कहा, इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मुझे लगता है तुम अब मुझसे प्यार ही नहीं करते। और वो उदास होकर बैठ गई। फिर मैंने कविता से कहा, ठीक है बताओ क्या करना है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर कविता खुश हो गई और फिर उसने कहा, तुम्हें आज मेरे कपड़े पहनने होंगे और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि औरतों के कपड़े पहनने में कितना टाइम लगता है। तभी मैंने कहा, मुझे पहले से ही पता है। मेरी बात सुनकर कविता ने कहा, तुम्हें पहले से कैसे पता है? क्या तुमने पहले भी कभी औरतों के कपड़े पहने हैं? फिर मैंने कहा, वो तो बहुत पुरानी बात है, जब मैंने एक नाटक में महिला का रोल किया था। ये सुनकर कविता ने कहा, तो फिर तुमने मुझसे ये बात अब तक क्यों छुपाई और इतनी देर से फालतू में नाटक क्या कर रहे थे कि तुम्हें मेरे कपड़े नहीं पहनने? अब तो मैं तुम्हें अपने कपड़े जरूर पहनाऊंगी, मुझे भी तो पता चले कि मेरा पति एक औरत बनकर कैसा लगता है। उसकी बातें सुनकर मैं सोचने लगा, ये आज मैं कहां कविता की बातों में फंस गया। मुझे तो लगता है कि आज कविता मुझे अपने कपड़े पहनाए बिना मानेगी नहीं। और यही सोचकर मैंने कहा, ठीक है कविता, मैं तुम्हारे कपड़े पहनने को तैयार हूँ। फिर कविता ने कहा, ठीक है अब जल्दी संग नहा भी कर आओ, तब तक अपने कपड़े निकाल कर रख देती हूँ। फिर मैं जल्दी से नहा धोकर आया और सीधा कविता के पास पहुंचा। मैंने देखा कि कविता ने बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े बेड पर फैला रखे थे और बैठी कुछ सोच रही थी। मैंने कविता को देखकर उससे पूछा, क्या हुआ? तो कविता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आज तुम्हें क्या पहनाऊं। चलो अब तुम ही इनमें से कोई भी ड्रेस सेलेक्ट कर लो। फिर मैंने गुलाबी रंग का सलवार सूट पसंद कर लिया। ये देखकर कविता ने कहा, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, ये सलवार सूट अच्छी ड्रेस है, पर आज मैं तुमको साड़ी ब्लाउज पहनाऊंगी डंडा। फिर कविता ने बातों में ही मुझे अपना साड़ी ब्लाउज ब्रा पैंटी और पेटीकोट पहना दिया। जब कविता के कपड़े पहने तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी बॉडी कविता के जैसी ही है और कविता के कपड़े मुझे एकदम फिट हो रहे थे।
उसके बाद कविता ने कहा, ये कपड़े तो तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं और तुम्हें फिट भी हो रहे हैं। और ऐसा कहकर वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी। और उस समय मेरा शर्म से बुरा हाल था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के सामने उसके कपड़े पहने हुए खड़ा था। उसके बाद कविता ने मुझे एक कुर्सी पर बैठाया और फिर मेरा मेकअप करने लगी, और फिर मेरे चेहरे पर फाउंडेशन, फिर पाउडर, आंखों में काजल और होंठों पर एक लिपस्टिक लगा दी। उसके बाद मेरे सिर पर एक दुपट्टे को उड़ाकर उसका घूंघट कर दिया। मैंने कहा, बस अब हो गया, मैं सज कर तैयार हो गया। तो कविता ने कहा, अभी बैठी रहो। मैंने कहा, बैठी रहो का क्या मतलब है, मैं एक लड़का हूँ यार। तभी कविता ने कहा, तुम आज लड़के नहीं हो, आज तुम मेरी सहेली हो और तुम्हारा नाम प्रीति है। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है। फिर कविता ने मेरा मेकअप करने के बाद मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा दी और फिर मेरे पैरों में पायल भी पहनाड़, और उसके बाद एक बॉक्स लेकर आई जिसमें काफी रंग बिरंगी चूड़ियां रखी हुई थी। फिर कविता ने मेरे हाथों में एक एक दर्जन लाल रंग की चूड़ियां पहना दी। फिर कविता ने कहा, लो अब देखे लो कैसी रही हो तुम। कविता के कहने पर जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं तो सच में एक सुंदर लड़की लग रहा था और खुद को एक लड़की के रूप में देखकर मैं शर्माने लगा और मैंने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छपा लिया। ये देखकर कविता हंसने लगी और कहने लगी, अरे प्रीति, तू तो एकदम लड़कियों की तरह शर्मा रही है। और उसके बाद कविता ने मुझसे पूछा, अब बताओ कैसा लग रहा है मेरे कपड़े पहनकर और एक औरत बनकर। मैंने कहा, अच्छा लग रहा है। ये सुनकर कविता ने कहा, तुमको सच में मेरे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा है या बस मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में तुम्हारी सहेली बनकर अच्छा लग रहा है। और जब मैंने पहली बार महिला के रोल के लिए लड़कियों के कपड़े पहने थे तो तभी से मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने का मन करता था, लेकिन मुझे कभी लड़कियों के कपड़े पहनने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि एक लड़का जब लड़कियों के कपड़े पहनता है तो उसे सब गलत नजर से देखते हैं। ये सुनकर कविता ने कहा, छोड़ो यार इन लोगों की बातों को, हम पति पत्नी है और हम जो चाहे वो करेंगे। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम कभी भी मेरे कपड़े पहन सकते हो। तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। कविता की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंख से एक आंसू गिर गया। और फिर तभी कविता ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, अरे यार प्रीति, रोती क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैंने कहा, हाँ वो तो मैं जानता ही हूँ कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो, और ये आंसू तो मेरे खुशी की वजह से निकल आए। उसके बाद कविता ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कल जब मैं तुमसे घर के सारे काम करवाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि एक औरत होना कितना मुश्किल होता है। उसके बाद कविता ने मेरे कुछ फोटो खींचे और फिर मेरी फोटो को कुछ रिश्तेदारों को भेज दिया, और सबने मेरी फोटो को देखकर मेरी बहुत तारीफ की। और फिर हंसी मजाक करते हुए हम सो गए। फिर अगले दिन जब हम सब सोकर उठे तो मेरे बेटे ने मुझे देखकर अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, ये पापा ने आपके कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो कविता ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे पापा को देखना था कि औरतों के कपड़े पहनकर कैसा लगता है, और फिर वो मुझे बार बार ये कहते रहते थे कि मैं तैयार होने में ज्यादा समय लगती हूँ, इसलिए तुम्हारे पापा को इस बात का भी एहसास कराना जरूरी था। उसके बाद कविता ने मुझसे कहा, अब जाओ और ये साड़ी, ब्लाउज, ब्रा, पैंटी और पेटीकोट निकाल कर अपने कपड़े पहन लो। अगर तुम ऐसे ही प्रीतिन बनकर रहोगे तो घर में कमा कर कौन लाएगा, या फिर तुम्हें आज प्रीति बनकर घर के काम भी करने हैं। बहन ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे बस का नहीं है ये सब घर का काम करना, मैं तो अपनी दुकान पर जा रहा हूँ। और फिर मैंने नहा धोकर अपने कपड़े पहने, फिर मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं अपनी दुकान पर चला गया। उस दिन के बाद से कविता मुझे कभी कभी अपने कपड़े पहना देती है और मुझे अपनी सहेली बना लेती है, और अब मुझे भी प्रीति बनकर अच्छा लगता है।